यहाँ तानाशाही का सरकार नहीं चलेगा, जहाँ चलाना है ना वहाँ चलाइए। या क्या तानाशाही कर रहे हैं ना, अभी कई दिन होबे किया है, तानाशाही दिखाने लगे। 5 साल से वैकेंसी नहीं है, बच्चा सब वैकेंसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको अंदर कर रहे हैं। पत्रकार सब के इतना धमकाते हैं, इतना अपना पैर के अंदर रखे हुए हैं कि अगर कोई जाएगा तो ओकर पत्ती के ले जाइएगा उठा के। सीट खाली रखे हुए, वैकेंसी नहीं दे रहे 5 साल में। अब चाहते हैं कथी, जब जनता बगावत पे उतर जाएगा ना, पूरा स्टूडेंट उतर जाएगा ना, तो सबके जला करके राख नहीं कर देगा ना, तो फिर देख लीजिएगा। बहुत जो अभी पावर दिखा रहे हैं, राजनीतिक दिखा रहे हैं ना, सब चल जाएगा अंदर। हम आपको कहे अपने ड्रीम प्रोजेक्ट बना करके अपने खाते हैं। 14 लाख के घर में आज देखिए ना क्या बीत रहा है, वो सब नहीं दिखाई देता है। बहाली देने को है, आज जो मांग रहा है उसको भी इतना धमकाइए कि वो कभी दोबारा उठे भी नहीं। कैसा सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार इसको कहते हैं। व्यक्ति आरक्षण के हमेशा खिलाफ रहेगा, वो आरक्षण के लिए जो व्यक्ति मर जाएगा उसको भारत रत्न देगा, ये भी के अथी के लिए व्यापार होता है, वो भी सब समझ रहे हैं। अब तो शिक्षा पे इसीलिए GST लगाए हुए ताकि कोई शिक्षित न हो, मेरा काला करतूस किसी को सामने नहीं आए। अरे सब विपक्षी आपके लिए खराब है, आप BJP वाला कितनो कर लीजिए दंगा फरसाद, कितनो चोरी चपाटी कर लीजिए, जो मर्जी है वो कर लीजिए, लेकिन आप एकदम निर्दोष दूध का झूला हुआ है।